सकते हो पूरा चारों तरफ पूरी घनी झाड़ियां है यहाँ पे, तो इधर भी झाड़ी है, इस साइड में भी झाड़ी है। यहाँ पर देखो गाइस कैसे चींटियां ने पूरा उसको पेड़ को पूरा जकड़ लिया है और यहाँ पे घर बनाया दिया गाइस। यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे देखो पूरा कुकुर उड़ गया हमारा। क्या बोल रहे हैं इंडिया के बबली, दिस इज किशोर डेरे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 9:30, तो अभी जस्ट मैं अभी उठा हूँ मैं, तो काफ़ी मौसम काफ़ी क्लीन है गाइज आज, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइज आज हम जाने वाले छोटा मोटा एडवेंचर करने वाले। तो गाइज आज मेंडोली में एक नर्सरी है, नर्सरी एक्सप्लोर करने वाले, उधर बड़े बड़े पेड़ है, घना जंगल है, तो उस जंगल में जाएंगे। तो चलो चलते आज, क्योंकि आज मैं बड़ा एडवेंचर करने के लिए मन नहीं है, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा है, गले में खराश है, सर्दी वर्दी हो चुका है, इसलिए मैं एडवेंचर आज बड़ा वाला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज छोटा एडवेंचर करेंगे, देखते हैं, और रूम में इंजॉय करेंगे गाइस, तो रूम में मस्ती करेंगे। चलो चलते। तो इधर साजन भाई कॉल पर बात कर रहा है, गुड मॉर्निंग साजन भाई। और गाइस यहाँ पे चावल पकाने के लिए डाल दिया है, इधर चावल पक रहा है अभी, और रोहन भाई इधर मोबाइल चेक कर रहा है। तो गाइस फाइनल हम निकल चुके हैं तो एडवेंचर के लिए, तो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग गंगा भैया, क्या हाल है, क्या कर रहे हो? हाँ सिगरेट। अच्छा चुप चुप के क्या, ये घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? ये मेरा यूट्यूब पे जाता ये वाला, तुम ही सिगरेट पी रहे हो, मेरा काट लो। चलो ना गंगा भैया, चल चलते हैं, चलो। अरे पास में आते पैसे मांग के आते ना, उधर ही है, नहीं तो मिलता नहीं वैसे। चलो चलते फिर। तो हे गाइस अभी हम चलते हैं, तो क्योंकि गंगा भाई बैठे तो उनसे बात कर लिया, तो अभी आप चलते। क्या हाल है बच्चों, क्या कर रहे हो? थोड़ा जा रहा है, थोड़ा रास्ते के लिए। गाइस अभी हम फाइनल पहुंच चुके नर्सरी के पास, और देख सकते हो गाइस ये वाला नर्सरी है, और इस साइड में है लॉजिस्टिक का बस, मतलब ट्रक खड़ा रहता है लॉजिस्टिक का, और इधर नर्सरी है गाइस, और ये रास्ता जाता है पूरा सेट होंडा की तरफ। तो चलो चलते गाइस अंदर जाते हैं, और देखते गाइस किस तरह से नर्सरी वाला, किस तरह से कितने घना जंगल है, और चलो देखते। तो गाइस फाइनल हम पहुंच चुके हैं नर्सरी के अंदर। तो गाइस ये देख सकते कितना बड़ा बड़ा नीलगिरी का पेड़ है गाइस ये वाला, और गाइस ये वाले नर्सरी में नीलगिरी का पेड़ ज़्यादातर लगा के रखा है, तो इसमें हमें पूरा एक्सप्लोर करना है गाइस किस तरह से रहता है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी मस्त ठंड ठंडी हवा चल रही है गाइस, तो हवा नीलगिरी का पेड़ इसके छाव की वजह से काफ़ी ठंड ठंडी हवा चल रही है गाइस, और देख सकते हो इधर कितना घनी झाड़ियाँ है गाइस, और एक तो पूरा चारों तरफ पूरी घनी झाड़ियाँ है यहाँ पे, तो इधर भी झाड़ी है, इस साइड में भी झाड़ी है, तो यहाँ से मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा गाइस कहाँ से जाना है, तो नहीं तो बहुत मुश्किल है ये वाले रास्ते से जाना। गाइस रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ से जाने के लिए मुझे, तो इधर कुछ पूरा घनी झाड़ी है यहाँ पे, तो इस साइड में देखो गाइस इधर भी देखो घनी झाड़ी है, मुझे ये वाला रास्ता बना के जाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अभी मेरे पास यही रास्ता है, यहाँ से अभी मुझे पूरा रास्ता बना के जाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा पैर से हिला कर रास्ता बनाना पड़ता है गाइस। तो चलो चलते आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइस कोई बियर का बॉटल डाल के रखा है। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, अभी मुझे रास्ता एक्सप्लोर करना पड़ेगा गाइस ये वाला रास्ता, तो यहाँ पर कोई आता नहीं है वैसे तो इसलिए कोई रास्ता बना के रखा नहीं है, तो कोई भी नहीं था इस वाले नर्सरी में, ये वाला ज़्यादा बड़ा नर्सरी नहीं है, फिर भी पूरा घना जो नर्सरी ये वाला, और यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ी है ना, इसलिए चढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखो गाइस कैसे चींटियाँ ने पूरा उसको पेड़ को पूरा जकड़ लिया है, और यहाँ पे घर बनाया दिया है गाइस, यहाँ पे मिट्टी से देखो गाइस पूरा, तो ये निकालता नहीं ऐसे मुझे लिए गलत बात लगती है, तो रहना भाई इधर ही रहे, तुम्हारा अच्छा घर है इधर, और जंगल में ऐसा बहुत सारा मिलेगा चींटियाँ, अभी पूरा पेड़ पर घर बनाएंगी, तो इसको कुछ और बोलते हैं पर नाम नहीं पता, लेकिन चींटियाँ रहती है इसमें छोटा छोटा सा। तो गाइस हम फाइनली पहुँच ही गए मंजिल पर, तो गाइस फाइनली ये वाला रास्ता हमने एक्सप्लोर कर लिया गाइस, तो देख सकते हो पूरा उस साइड से निकले थे, तो अपोजिट साइड निकल चुके हैं गाइस हम लोग, तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनल हम एक्सप्लोर कर चुके हैं गाइस ये वाला नर्सरी, गाइस देख सकते हो इस साइड में इसके अंदर से आए थे, और ये वाले रास्ते से हम पहुंच गए गाइस, तो दूसरे साइड से पूरा रास्ता था वो वाले रास्ते से, ये वाला साइड में एक्सप्लोर करके यहाँ ये वाला मंजिल तक आ चुके गाइस अभी हम, तो यहाँ से अभी चलते इस साइड में, तो इधर एक
कंपनी बन रहा है वो वाला कंपनी दिखाते हैं, कौन सा कंपनी मुझे पता नहीं है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, तो काफी मस्त लग रहा है यहाँ पर, ठंडा ठंडा सा, और यहाँ पे छाव भी है तो पेड़ पेड़ का। तो इसके बाद चलते हैं हम फिर रूम पर, थोड़ा सा इधर का नया कंपनी बन रहा है वो भी दिखाते हैं आपको। तो चलो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से। सो गाइस देख सकते हो ये वाला है नया कंपनी बन रहा है, और नर्सरी के बगल में ही ये वाला कंपनी है, तो काफी बड़ा कंपनी लगता है शायद। तो गाइस ये वाला सिनेमैटिक शूट में आपको कंपनी किस तरह से बन रहा है वो दिखा दिया, तो अभी चलते हैं रूम पर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए रूम पर। गाइस यहाँ पे अभी लगा दिया है हीटर पे पानी गर्म करने के लिए। नरेश भाई क्या लेके आए हो, पार्सल क्या है? टी शर्ट। और रोहन भाई इधर खाना खा रहा है। तो गाइस ये वाला है नरेश का टी शर्ट जो नया ले लिया है, तो काफी मस्त है, पर लेकिन अभी पहनने के लिए सही नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है, तो ब्लैक पहनेगा तो गर्मी नहीं हो जाएगा क्या? तो गाइस अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो फिलहाल अभी हम खाते हैं खाना, तो उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस खाने में दाल और चावल। अरे गाइस अभी खाना पीना हम लोग का हो चुका है, तो अभी चलते हैं हम पैसा लेने के लिए। तो लास्ट ब्लॉग में आपको बता दिया था कि हम खेत में काम करने के लिए गए थे, लेकिन उसका अभी तक पैसा नहीं मिला, तो पैसा लेने के लिए खेत मालिक के पास चलते हैं अभी। तो गाइस अभी हम उनके घर में आ चुके थे, देखते हैं अभी घर में है क्या। तो गाइस फाइनल हम रूम पे आ चुके, तो हमको रूम पैसा लेने के लिए गए थे लेकिन मिला नहीं पैसा अभी तक। क्या कर रहा है रोहन भाई, क्या कर रहा है? खाना पीने के बाद मैं फिर सो गया था, तो फिर अभी उठा हूँ, तो गाइस मुझे काफ़ी भूख लग गया है, और साजन और नरेश और साजन दोनों भी सोए हैं। फिर हम बनाते हैं, मैं अकेले बनाता हूँ मैगी, और मैं एक दुकान से लेके आया था मैगी। गाइस देख सकते हो ये वाला मैगी है, और ये 10 रुपये में मिलने वाला मैगी गाइस अभी 14 रुपये मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं। तो चलो चलते देर नहीं करते, फिर मैगी बनाते, तो दिखाता हूँ आपको किस तरह से रिव्यू बनता है मैगी, तो उसका रिव्यू बताऊँगा खाने के बाद। गाइस हमारे पास है टमाटर, प्याज और ऑयल, और यहाँ पर है गुप्त मसाले, अभी तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। तो गाइस अभी यहाँ पे मैगी बनना शुरू हो चुकी है, तो देख सकते हो गाइस फाइनली हमारी मैगी बनके रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो गाइस ये वाली मैगी है, तो खाने के बाद बता दीजिए रिव्यू किस तरह से बनाए। तो गाइस रूम का लाइट चला गया, और इधर भी अंदर हो चुका है गाइस रूम में, और इधर दाल चढ़ाने के रख दिया गैस पर, तो बाहर देखो गाइस पूरा अंदर है अंदर, इधर भी अंदर है। तो गाइस यहाँ पे देखो पूरा कुकर उड़ गया हमारा, पूरा पानी फैला हुआ यहाँ पे देखो। अरे क्या वो स्लिप हो गया उधर, बराबर डालना है। नरेश क्या क्या डाला? दाल और आलू, दाल था दाल। अभी क्या कर रहे हैं? निकल उसको। दो बार हो चुका है अभी, ये पिछली बार और एक बार। तो गाइस यहाँ पे देखो पूरा कुकर ब्लास्ट हो गया था अभी, यहाँ पे पूरा फैला हुआ अभी इसका, पता है इसका पानी का कम हो गया था इसलिए। ए पानी कम ही, हाँ पानी कम होता कभी हाँ। इधर भी घूम गया क्या भाई? ये इतना है कि किसी को लगा नहीं, अगर वो सिटी लग जाता ना बहुत खराब रहता है वो। देखा अभी हम खा रहे खाना, और खाने में दाल चावल, और ये खा रहे अंडा भुजिया। तो खाना खाते हैं उसके बाद बात करते हैं। हमें बहुत भूख हो रहा है, तो गाइस शनिवार को मिला, तो शनिवार है ना, इसलिए मैं शनिवार के दिन खाता नहीं हूँ अंडा। वैसे तो मैं भुजी खाता नहीं हूँ, फिर भी अंडे के शनिवार के दिन खाता नहीं। खाया था ना, खाया था, मतलब इतना पसंद नहीं है वो, सूखा नहीं पसंद है, जैसे अभी दाल रहे ना तो चलेगा, लेकिन सूखा नहीं है। तो गाइस आप ही बताओ अंडा भुर्जी पानी वाली कैसे बनाते हैं, दिखाओ एक बार भी। पानी वाली नहीं बोल रहा, जैसे अभी दाल बनाया और बना दिया पानी वाली, कौन सा अंडा भुर्जी सही लगता है? अरे हे गाइस फाइनल हम लोग का खाना पीना हो चुका है, तो अभी मैं छत पर ठहरने के लिए, तो देख सकते हो पूरा अंधेरा इस साइड में। तो गाइस आपको इस ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ, तो गाइस इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये ब्लॉग किस तरह से लगे, जो मैं एडवेंचर ब्लॉग दिखा रहा हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग दिखा रहा हूँ, तो किस लग रहा है आपको, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और क्या चेंजेस होने चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, तो इसमें हम और चेंजेस करेंगे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, चलो बाय।